पवित्र बाइबल में प्रभु येसु हमें बहुत सारी शिक्षाएं दिए हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है नम्रता की पाठ। उसी प्रकार पवित्र बाइबल में हम बहुत सारे नम्र व्यक्तियों के बारे में सुनते हैं। ईश्वर स्वयं मूसा को सबसे नम्र मनुष्य बताए। उससे भी बढ़कर एक व्यक्ति को यदि हम चुने जो सबसे ज्यादा नम्र रहे, वही है ईश्वर स्वयं प्रभु येसु क्रिस्त। तो हम आज प्रभु येसु से ही नम्र बनने की, नम्रता का महत्व और नम्र बनने का रास्ता हम आज सीखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले अपना पवित्र बाइबल, अपनी डायरी, पेन पेंसिल सब ले लें और अपना जो निर्धारित स्थान है उसमें आकर अपना स्थान ग्रहण करिए। सबसे पहले अपने आप को ईश्वर की उपस्थिति में रखिए, क्योंकि हम स्वयं ईश्वर से सीखने वाले हैं, ईश्वर से बातें करने वाले हैं। तो अपने आप को ईश्वर की उपस्थिति में रखिए और आइए हम शुरू करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे परम पावन दयालु पिता, हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरा जय जयकार करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, विशेष रूप से इस अवसर के लिए जब तू हमें आपके पुत्र के नाम पर एकत्रित करके उन्हीं से और उन्हीं के द्वारा ही नम्रता की पाठ, नम्रता की शिक्षा आज आप हमें दे रहे हैं। इसके लिए हम विशेष रूप से तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इसके द्वारा तू हमें धीरे धीरे अपने पुत्र के रूप में परिवर्तित कर रहा है। हे पवित्र आत्मा, आप हमारे अभ्यंतर में रहकर पिता की इच्छा पूरी करने में आप हमारी सहायता करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष रूप से आप हमें सिखाइए कि हम प्रभु येसु के मनोभाव को अपना सके। हे प्रभु येसु क्रिस्त, हमारे मुक्तिदाता, हमारे बड़े भैया, तू हमारे साथ रहता है और तुझसे बढ़कर पवित्र बाइबल में और पूरे इतिहास में नम्र व्यक्ति कोई नहीं है, क्योंकि तू ईश्वर होते हुए भी हम निरे मनुष्यों के रूप में हमारे समान बनकर, सेवक बनकर, दास बनकर अपने आप को क्रूस पर बलि चढ़ाया। आज हमें विशेष रूप से नम्रता की शिक्षा प्रदान कर, हमें नम्रता का महत्व समझा, ताकि हम तेरे पद चिन्हों पर चल सके और अपने आप को पिता की इच्छा पूरी करने के लिए तेरे समान अर्पित कर सके। एक हमारी प्यारी मां मरियम, सभी संतों, स्वर्गदूतों, हमारा साथ दीजिए, हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारा मार्गदर्शन करिए, ताकि हम भी आप लोगों के पद चिन्हों पर चल सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज की साधना के लिए जो पाठ हम लिए हैं वो है संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 1-12, द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 23 वर्सेस फ्रॉम 1-12। उस समय ईसा ने जन समूह तथा अपने शिष्यों से कहा, शास्त्री और फारसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वह करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण ना करो, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते। वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। वे अपना तावीज चौड़े और अपने कपड़ों का जब्बे लंबे कर देते हैं। भोजों में प्रमुख स्थानों पर और सभागृहों में प्रथम आसनों पर विराजमान होना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि एक ही गुरु है और तुम सबके सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य कहलाना भी स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है अर्थात मसीह, जो तुम लोगों में से
सबसे बड़ा है, वह तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। आइए इस पाठ को आप कम से कम 2-3 बार ध्यान से पढ़िए, जोर से पढ़िए, ताकि आप इसमें छुपी हुई बातों को, रहस्यों को समझ सके। हमारी साधना का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रभु येसु के समान बनना है, और प्रभु येसु में हम बहुत सारे गुणों को देख सकते हैं जिसको ईश्वर हमारे सामने रखकर हमें उसका पालन करने के लिए कहते हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण और शायद सबसे कठिन गुण है विनम्रता, ह्यूमिलिटी। हम अपने बड़ों के सामने नम्र या विनम्र आसानी से हो सकते हैं क्योंकि वे हमसे बड़े हैं, लेकिन अपने से छोटों के सामने नम्र बनना बहुत कठिन है। हम स्वयं प्रभु येसु को ही ले लें, ईश्वर को ही ले लें, उन्हें इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मनुष्य बनने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वो मनुष्यों के समान, हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे वो कितना अपने आप को नम्र बनाए थे। आइए हम इस शब्द के अर्थ को पहले समझने कोशिश करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नम्र होने का अर्थ क्या नहीं है? नम्र होने का अर्थ यह नहीं कि हमारे अंदर जो कृपा दान है या जो वरदान है या जो कार्य हम कर सकते हैं उसको अस्वीकार करना नहीं होता है, अपने आप को छोटा करना नहीं होता है। मतलब मैं कोई लायक नहीं हूं, बहुत सारे लोग इसे करते हैं, वो नम्रता नहीं है। तो नम्रता है क्या? नम्रता अपने आप को, अपनी शक्ति को स्वीकार करना, लेकिन उसके अनुसार व्यवहार नहीं करना या उस अधिकार को नहीं जताना। इसको हम प्रभु येसु के जीवन से समझने की कोशिश करते हैं। आइए, नए विधान के या प्रारंभिक कलीसिया के समय में एक बहुत ही अच्छे सुंदर से एक गाना था जिसको संत पौलुस फिलिपियों के नाम अपना पत्र अध्याय 2:5-11 में लिखते हैं। वास्तव में एक गीत है उस समय का, ये उनका अपना लिखा हुआ, जरूर उनकी बातें हैं इस पत्र में, लेकिन ये जो है गीत कहा जाता उस समय का। संत पौलुस उस गीत को अपनाते हुए फिलिपियों को प्रभु येसु के मनोभाव को अपनाने की शिक्षा देते हैं। यहां हम देखते हैं 5:6 में, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे। इसी बात को मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, प्रभु येसु स्वयं ईश्वर हैं, ईश्वर थे, उन्हें पूरा अधिकार था पिता के बराबरी करने का। उन्हें इसकी कोई जरूरत नहीं थी कि पिता से अपने आप को छोटा करके इस दुनिया में आकर हमसे भी छोटा रहकर यहां आकर रहें, जिए, ये कोई जरूरत नहीं थी, उन्हें पूरा पूरा अधिकार था। लेकिन उन्होंने क्या किया, 5:7 में लिखा है, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया, और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हां क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। देखिए वे क्या करते हैं, वे केवल मनुष्य नहीं बने, शरीर धारण के केवल नहीं किए, उसके बाद में वो मरण को स्वीकार करते हैं, मृत्यु को स्वीकार करते हैं। मृत्यु को स्वीकार करने का अर्थ क्या होता है मालूम? मृत्यु का कारण क्या था या मृत्यु इस दुनिया में कैसे आई? पाप के कारण आई। तो ईश्वर इस दुनिया में शरीर धारण करके आते हैं और पाप के भागी बनते हैं। वे स्वयं पाप नहीं किए, लेकिन हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर हमारे बदले में अपने आप को प्रायश्चित बलि के रूप में बलि चढ़ाते हैं। यहां सब कुछ आज्ञाकारी बनकर, पिता के आज्ञाकारी पुत्र के रूप में वो अपने आप को और भी दीन बनाकर, ना केवल एक मनुष्य बल्कि एक पापी के रूप में, एक अपराधी के रूप में
अपने आप को क्रूस पर बलि चढ़ाते हैं। इस नम्रता की पाठ को हम और बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि मैं समझता हूं ये सब मैंने जो कहा, जो संत पौलुस यहां बताए, इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसको हम अनुभव नहीं कर पा रहे। समझ नहीं पा रहे मतलब ये दिमाग से समझना केवल नहीं है, हृदय से उसको अनुभव करना। इसके लिए हम एक बेहतर उदाहरण लेते हैं, शायद वो हम ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। घटना है अंतिम भोज की। प्रभु यीशु अपने शिष्यों के पैर धोते हैं। पैर धोना एक नौकर का केवल नहीं, एक दास का कार्य था। दास और नौकर में बहुत अंदर है। नौकर जैसे हमारे घरों में हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं, नौकर हम बोलते हैं, उनका कुछ अपना अधिकार रहता है, वे अपने अधिकार के लिए लड़ भी सकते हैं, वे कह भी सकते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता मालिक, लेकिन दास वैसे नहीं कर सकता। और इसराइल में और दुनिया भर में आज भी कहीं कहीं दासता की स्थिति है, कहीं कहीं बहुत कम होगी। दास अपने पैर में जूता नहीं पहन सकता, उसका अपना कोई अधिकार नहीं है। जानवर को अधिकार होता है लेकिन दास का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि वो खरीद लिया गया है, वो मालिक का एक वस्तु है, एक प्रकार से एक चीज है। और दास का काम होता था जब मालिक बाजार या बाहर कहीं भी जाकर घर लौटता है, उसका पैर धोने का कार्य एक दास का था। प्रभु यीशु अंतिम भोज के समय अपने ऊपर पहने वो उस वस्त्र को इसलिए वे निकालते हैं क्योंकि दास ऐसे पहन कर रह नहीं सकते, इसलिए वो अपना ऊपर का उस वस्त्र को निकाल देते हैं। और जैसे एक दास अपने मालिक के लिए उसका पैर धोकर उसके पैर को पोंछता है, उसी प्रकार प्रभु यीशु अपने शिष्यों के पैर धोकर उनके पैर को पोंछते हैं। इसलिए संत पेत्रुस सीधा सीधा इनकार करते हैं, कहते हैं कि गुरुवर प्रभु आप मेरे पैर धोते हैं, मैं कभी भी ऐसे होने नहीं दूंगा, आप मेरे गुरुवर हैं, मेरे प्रभु हैं। यही होती है नम्रता। उनका पूरा पूरा अधिकार था ईश्वर के बराबरी करने का, क्योंकि वे स्वयं ईश्वर थे, ईश्वर हैं, लेकिन वो अपने आप को इतना नीचे झुकाते हैं। उनके अंदर पूरी शक्ति थी, पूरी महिमा थी उनके पास, लेकिन उसका प्रदर्शन नहीं करना चाह रहे थे, उसका उपयोग वे नहीं करना चाह रहे थे, उसको छुपा के रखे। शायद श्री आइंस्टीन के जीवन में यह घटना घटित हुई थी, बहुत सारे लोग अन्य लोगों का नाम भी लेकर भी बोलते हैं। घटना यह थी कि आइंस्टीन या अन्य जो व्यक्ति हैं, जो महान व्यक्ति थे, वो उस दिन के वास्तव में एक कार्यक्रम के लिए आए हुए थे, वक्ता थे, मुख्य वक्ता, द स्पीकर, द मेन स्पीकर, लेकिन लोग उनको जानते नहीं थे, ज्यादा लोग उनको पहचानते नहीं थे। तो वहां ये जैसे उतर कर आते हैं, वहां खड़े रहते हैं, तो दूसरा कोई व्यक्ति कार से आता है और इनको देखकर इनको पहचानता नहीं है और बोलता है कि मेरा सामान उतार कर मेरे पीछे लेकर आओ, यहां लेकर रख देना। और ये महान व्यक्ति एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, वो नहीं बोलते हैं कि मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूं, मैं आपका ये उठाऊं, आप जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं, वो एक शब्द नहीं कहते हैं। वो जाकर उनका बैग या जो भी वो उठाने के लिए बोलते हैं, गाड़ी से निकालने के लिए बोलते हैं, वो सब करके रख देते हैं और कार्यक्रम चालू होता है। और वहां ये व्यक्ति देखता है कि ये तो इतना महान व्यक्ति है। तो कार्यक्रम के आखिरी में, समापन के बाद में, वो व्यक्ति उनके पैर पड़कर उनसे माफी मांगता है। ये बहुत सारे लोगों के साथ में बताया जाता है, लेकिन एक उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूं। इतिहास में मत जाइएगा, मुझे पूर्ण रूप से याद नहीं आ रही है कि वास्तव में ये कौन व्यक्ति थे, लेकिन उनकी जो महानता, हमें अपने आप को दूसरों के सामने बड़ा कर दिखाना या अपना अधिकार जताना, ये बहुत आसान होता है, लेकिन अपने अधिकार को त्याग कर दूसरों के सामने या दूसरों से अपने आप को छोटा कर उनकी सेवा करना, ये बहुत कठिन है। और यही है नम्रता। इसलिए प्रभु यीशु हमें शास्त्री और फरीसियों को उदाहरण देते हैं। उन्हें मूसा का अधिकार प्राप्त था, इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं जो शिक्षा वे देते हैं उसकी सुनो, उसका पालन करो,
लेकिन उनके समान मत जियो। और उनका उदाहरण वो बारीकी से दे रहे हैं, कैसे कैसे वे जो भी कार्य करते हैं वो दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं, वो दूसरों की सेवा करें, दान दें, उपवास करें, अन्य कुछ भी काम करें, वो सब दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं कितना अच्छा व्यक्ति हूं। नाकेदार और फरीसी जो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए थे, उसका उदाहरण आप थोड़ा सा ध्यान में लाइएगा, वही है उनका मनोभाव। ये बाहरी रूप में उनका कपड़ा, उनका पहनाव विशेष रहता था, उससे ही लोगों को पता चलता था कि ये कौन है। और कहीं भी कोई भी कार्यक्रम में गए, उनके प्रमुख या प्रथम स्थान उनको मिलता था, मुख्य है वो समाज के। और जहां कहीं भी बाजारों में कहीं आना जाना करते, सबको ही प्रणाम बोलते और उन्हें अपना गुरु कहकर लोग बुलाते थे। ये सब बहुत सारी बातें सामान्य लगती हैं और हमारे दैनिक जीवन में भी होता है, लेकिन प्रभु यीशु ये सब उदाहरण देकर अंत में क्या कहते हैं, जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने। इसलिए स्वयं प्रभु यीशु ने भी कहा, मैं सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और अपने को बहुतों के उद्धार के लिए अर्पित करने आया हूं। सेवक, जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है, ईश्वर से बड़ा कोई है क्या? लेकिन उन्होंने क्या किया, एक दास का रूप धारण करके मनुष्य बनकर जानवरों के बीच में जन्मे और किस प्रकार वे अपना जीवन यापन किए और कैसे मरे, वो अपना स्वयं उदाहरण हमारे सामने पेश करते हैं। नम्रता, इन दिनों में विशेष रूप से हम अपने आप को प्रभु येसु के समान बनाने की इस प्रक्रिया में हम ईश्वर का साथ दे रहे हैं। हमारे लिए चाहिए कि हम प्रभु येसु के पद चिन्हों पर चले। यहां एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, नम्र होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को तिरस्कार करना, बेकार मानना, मैं कोई चीज का लायक नहीं, वो नहीं है नम्रता। हम जानते हैं कि हम कितने बड़े हैं, कितने विशेष हैं, लेकिन उस छोटे काम को भी करने के लिए तैयार हो जाना। जो बड़ा है वही तो छोटा हो सकता है, जो छोटा है वो बड़ा नहीं हो सकता, मतलब मेहनत करके, मैं उसके बारे में नहीं कह रहा हूं। जैसे हमारी जो स्थिति है, जैसे मान लीजिए एक ऑफिस में जो क्लर्क है, वो कभी भी एक ही दिन में, आज मैं क्लर्क हूं मान लीजिए ऑफिस में, मैं वहां का डायरेक्टर नहीं बन सकता ना उसी दिन में। मेहनत करके मैं बन सकता हूं, लेकिन क्लर्क के पद में रहकर मैं डायरेक्टर का अधिकार वहां नहीं जता सकता। लेकिन जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर होते हुए भी वो क्लर्क के साथ, क्लर्क के बराबरी में वो बातचीत करके नम्रता के साथ व्यवहार कर सकते हैं, वो नीचे उतर कर आ सकते हैं। आप मेरा उदाहरण समझ रहे हैं, वो उतने ऊंचे स्थान से नीचे उतर कर अपने आप को छोटा करके नीचे उतर कर आ रहे हैं। तो जो बड़ा है वो छोटा हो सकता है, जो छोटा है वो बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन बहुत बार हम ऐसे करते हैं। हम सभी निरे मनुष्य हैं, लेकिन हम कितना अपना अधिकार जताते हैं। इसका और एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, वो है दाऊद का उदाहरण। दाऊद जो छोटा लड़का था, गोलियात को मार गिराने के लिए तैयार हो रहा था, वो क्या कहकर जाता है गोलियात के पास, तो अपनी शक्ति पर मेरे पास आते हो, लेकिन मैं विश्वमंडल के प्रभु के नाम पर मैं तेरे पास आता हूं। वही है नम्रता, अपने आप को ईश्वर के संबंध में देखना, अपने आप को ईश्वर के संबंध में देखना, मैं कौन हूं ईश्वर के साथ मेरे संबंध में, मैं कौन हूं, अपनी पहचान ईश्वर में पाना, नम्रता वहीं से प्रारंभ होती है। तो आइए हम थोड़ा सा समय ले और अपने आप को नम्र बनाने की ये जो शिक्षा प्रभु यीशु आज हमें दे रहे हैं, हम उनसे सीखें। थोड़ा सा समय ले, हम इन बातों को अपने मन में हम संजोए रखें, हम आत्मसार करने की कोशिश करें। हम साधना के दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं, प्रत्युत्तर। हे प्रभु यीशु, मैं अपने आप को समाज में, अपने घर में, जहां कहीं भी मैं कार्यरत हूं, हर जगह पर मैं अपने आप को दूसरों से बढ़ा कर दिखाना चाहता हूं। मैं जो भी कार्य कर सकता हूं उसके आधार पर समाज में
या जहां मैं कार्यरत हूं उसके आधार पर मैं दूसरों की तुलना करके अपने आप को बढ़ा कर मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, और इस संदर्भ में मैं दूसरों को छोटा करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जब तक दूसरे छोटे नहीं होते तो मैं उनसे बड़ा नहीं बन सकता। इस संघर्ष में मैंने बहुतों को नीचा दिखाया है, लेकिन आज तू मुझसे ये कहता है मेरे पथ पर चलो, नम्र बनो। तुम जितना बड़ा बनना चाहते हो उतना छोटा बनो, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। प्रभु तूने केवल कहा नहीं, तू करके दिखाया अपने शरीर धारण के द्वारा। एक डाकू के समान, एक अपराधी के समान अपने आप को क्रूस पर बलि चढ़ाते हुए, तुझसे बढ़कर कोई पवित्र नहीं है, लेकिन तू पापी के रूप में क्रूस पर मरा। तुझसे बड़ा कोई व्यक्ति है ही नहीं, लेकिन तूने मनुष्यों के पैर धोए एक दास के रूप में। तूने शब्दों से ही केवल मुझे शिक्षा नहीं दी है, तूने करके दिखाया है। प्रभु मैं भी आज शब्दों से केवल नहीं बल्कि कर्मों से तेरे पथ पर चलने की कृपा मुझे दे। मैं अपने कर्म के द्वारा, कार्यों के द्वारा तेरे समान बनूं, मैं तेरे संबंध में अपने आप को देख सकूं, तेरी दृष्टि से मैं अपने आप को देख सकूं, एक कृपा मुझे प्रदान कर। आइए प्रिय भाई और बहनों, हम हमारे मन में जो भावनाएं उठ रही हैं, जो विचार उठ रहे हैं, उन सबको हम थोड़े मौन रूप में प्रभु पर प्रकट करें। हम साधना के तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं। हे प्रभु यीशु, मैं तुझे खुश करना चाहता हूं, और आज तू मुझे ये बताता है कि तुझे खुश करने का एक ही माध्यम है, एक ही रास्ता है, तेरे समान नम्र बनना। मैं जानता हूं ये कितना कठिन है, हर दिन मेरा संघर्ष रहता है, मेरे परिवार में, समाज में, जहां मैं कार्यरत हूं, हर जगह मैं अपने आप को दूसरों से बड़ा कर दिखाने की कोशिश करता हूं। मैं यहां तक मेरे माता पिता से बड़े होने का दावा करता हूं, उनसे मैं वाद विवाद करता हूं, मेरे अधिकारियों के साथ में भी मेरा मनमुटाव होता है, क्योंकि मैं उनसे ज्यादा जानने का एक दिखावा करता हूं, दावा करता हूं। मैं बहुत बार कोशिश करता हूं तेरे समान नम्र बनने का, लेकिन मुझसे हो नहीं पाता है। मैं अपनी पहचान बनाना चाहता हूं, हे प्रभु तो मुझे सिखा कि ये सब ओझल हो जाएंगे। इस दुनिया में मैं एक मेहमान हूं, क्षणिक व्यक्ति हूं, मेरी मृत्यु के बाद में कोई भी ना तो मुझे याद करेंगे ना मेरे कार्यों को कोई याद करेंगे, मेरे प्रियजन भी शायद ही कुछ दिन याद रखेंगे। मैंने अपने बहुत सारे प्रियजनों के जीवन को भी देखा है, मैं बहुत सारे फादरलों को भी देखा हूं जो इस हमारे धर्म समाज के लिए ही इतने सेवा कार्य किए, लेकिन हम बहुत कम उनको याद कर पाते हैं, हम उनकी मृत्यु के दिन को भी याद नहीं कर पाते हैं। प्रभु मुझे कृपा दे, मैं इस क्षणभंगुरता को, जीवन के क्षणभंगुरता को मैं समझ पाऊं, और प्रेम के मार्ग पर, तेरे मार्ग पर, तेरे पथचिन्हों पर मैं चल सकूं। मेरे हृदय को पवित्र कर, शुद्ध कर, मुझे नम्र बना, तेरे समान बना, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं प्रभु। आइए हम अपनी भावनाओं को, अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों में हम मौन रूप से रखें। हम साधना के चौथे चरण में प्रवेश करते हैं, संकल्प या निर्णय लेना। आज की साधना से प्रेरित होकर आप अपने जीवन पर मूल्यांकन करिए, और प्रभु यीशु के जीवन पर, उनकी शिक्षा पर जो हमें आज मिली है नम्रता के बारे में, उस पर आधारित कम से कम एक दो निर्णय, संकल्प लेने की कोशिश करिए। तो ये हम हर एक व्यक्ति पर निर्भर रहता है, हो सकता है हमारे परिवार में हमसे छोटे लोगों को आदर सम्मान देना हो सकता है, यदि हमारे नीचे कोई कार्यरत है
जहाँ हम काम करते हैं, तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करने का, आदर सम्मान करने का। और भी एक बात होती है, हम दूसरों के बारे में चुगली करते हैं, गलत बातों को फैलाते हैं, क्योंकि हो सकता है उन लोग हमसे अच्छे हों, हमसे बड़े हों, हम उनको गिराने के लिए हम ऐसे सब षड्यंत्र रचते हैं। यदि हम ऐसे सब करते हैं तो हम थोड़ा सा मूल्यांकन करके उसके आधार पर कुछ निर्णय लें और अपने जीवन में आज उससे ही उसको करने की शुरू करिए। थोड़ा सा समय लीजिए और अपने डायरी में, अपने जर्नल में उसको लिखिएगा। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे परम पावन दयावान पिता, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरा जय जयकार करते हैं। प्यारे पिताजी, आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर अवसर के लिए तो हमें अपने पुत्र के समान बनने के लिए आमंत्रित किया है, हमें बुलाया है। ये कितना अद्भुत है। तो हम निरे मनुष्यों को ऊपर उठाकर अपने बराबरी में अपने समान बनाना चाहता है। आज के मनन चिंतन में तेरा पुत्र हमें सिखाया कि हम मनुष्य कितना दूसरों को छोटा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तू हमें ऊपर उठाकर बड़ा करने के लिए अपने पुत्र को हमारे बीच में भेजा। मेरे पिता, हमें कृपा दीजिए कि हम अपने आप को तेरी दृष्टि से देख सके, क्योंकि तूने कहा है कि हम तेरी दृष्टि में मूल्यवान हैं और हम तेरे लिए महत्व रखते हैं और तुम हमसे प्यार करते हो। हम अपनी पहचान तुझसे पाए, तुझसे जोड़कर ही हम अपने आप को देख सके, हमें कृपा दीजिए। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, तू हमारे अभ्यंतर में, हमारे शरीर में निवास करता है, हमें कृपा दे कि हम प्रभु येसु के पद चिन्हों पर चल सके। हे हमारे मुक्तिदाता, हमारे बड़े भैया, हमारे प्रभु येसु, तू ईश्वर होते हुए भी अपने आप को इतना छोटा कर दिया, दास का रूप धारण किया, एक अपराधी का रूप धारण किया और सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लेकर हमारे बदले में अपने आप को क्रूस पर नंगे होकर अपने आप को बलि चढ़ाया। हम अपने जीवन के अनुभव से समझ पा रहे हैं कि नम्रता कितना कठिन होती है, नम्र होना कितना कठिन होता है, कितना दर्दनाक दुख तूने मेरे लिए सहा, क्योंकि तू हमसे प्यार करता है। प्रभु, हमें भी तेरे प्रेम के मार्ग पर चलना सिखा, ताकि हम इस प्रेम के मार्ग पर चलकर हम नम्र बन सके, दूसरों के सेवक बन सके, दूसरों की सेवा करने और दूसरों के उन्नति के लिए अपने आप को अर्पित करने, बलि चढ़ाने की कृपा हमें प्रदान कर। ए हमारी प्यारी मां मरियम, मां तू ईश्वर की मां बनने वाली ही थी, ईश्वर अपने दूत को भेजकर तुझे वो संदेश दिए। जैसे ही तूने वो संदेश सुना, तू सेवा करने के लिए एलिजाबेथ के घर पहुंच गई थी, अपने आप को उतना छोटा कर दी थी। मां, हमें भी सिखा, हम जितना बड़े बनते जाते हैं हम उतना ही नम्र बन सके, उतना ही सेवक बन सके, दूसरों की सेवा करने की कृपा इच्छा हमें ईश्वर से दिला। ये संत योसेफ, आपके पथ पर चलने की कृपा हमें ईश्वर से दिलाइए, हम भी आपके समान नम्र बन सके। सभी संतों, स्वर्गदूतों, हमारा मार्गदर्शन दीजिए, हमारा साथ दीजिए, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, सबसे महत्वपूर्ण, इसलिए सबसे कठिन शिक्षा है नम्र बनने का। इस मार्ग पर, प्रभु के पद चिन्हों पर हम चलते रहें, आगे बढ़ें और अपने आप को दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों की उन्नति के लिए अर्पित करने के, प्रभु येसु के मार्ग पर, उनके पद चिन्हों पर चलने के इस संघर्ष में आपको शुभकामनाएं और ईश्वर की आशीष बहुतायत से आपको मिलते रहें।